नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना। कुकिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं लेमन राइस। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाती है ये डिश, और बनाने में तो है ही आसान। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर हम तेल ले लेंगे। तेल को गर्म होने के बाद यहाँ पे हम आधा कप के करीब कच्ची मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगी तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में अभी रख देंगे। फिर हम उसी तेल में आधा चम्मच के करीब फ्राई, 2 चम्मच के करीब चना दाल, 1 चम्मच के करीब उड़द दाल, इसको हम फ्राई करेंगे। और काजू डाल देंगे। काजू ऑप्शनल है, काजू अगर आपको डालना हो तो डालें वरना रहने दें। फ्राई कर लेंगे अच्छे से। 4 से 5 हरी मिर्ची और 4 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे। करी पत्ता ले लेंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज हो जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। हींग डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसका कलर हम इसको तेज आंच में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी दाल वगैरह जल जाएगी। और हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, और आंच को हम यहाँ मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी हल्दी ना जले, अच्छे से कुक हो जाए, उसका कच्चापन चला जाए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, तब हम इसमें 3 नींबू का रस लिया है मैंने यहाँ पे। बस अब हम इधर गैस बंद कर देंगे। इसको नींबू को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे, नींबू के रस को। और यहाँ चावल को मैंने पहले से उबाल कर रखा हुआ था, उसको मिला लेंगे। अगर आपके पास रात के चावल भी हो, लेफ्ट ओवर राइस भी रखे हो, उससे भी आप ये डिश बना सकते हैं। चावल हमने डाल दिया, अब यहाँ पे हमने जो मूंगफली फ्राई किया था वो डाल दिया, नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके चावल में उबालते समय आप नमक डालते हैं तो इस समय ना डालें। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे हमारा लेमन राइस बनके एकदम तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये क्विक लंच रेसिपी है और इसको साउथ में बहुत पसंद किया जाता है। साउथ में इसको कहते हैं पुली हरम। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।